देखिए सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। प्रधानमंत्री जी बार बार किसानों को कह रहे हैं कि आइए बातचीत करिए, क्लॉज बाय क्लॉज कानून के ऊपर डिस्कशन करिए, और अगर सरकार को कहीं लगता है कि इन तीनों कानूनों की इस धारा के अंदर परिवर्तन करने लायक है तो सरकार को कोई हिचक नहीं है। प्रधानमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी कानून सदा सदा के लिए ना स्थाई था, ना है, ना रहेगा। कानूनों के अंदर समय समय के ऊपर परिवर्तन होते रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आजाद भारत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ कानून बनाने का दुस्साहस नहीं कर सकती। और हमारी सरकार ने तो मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल में एक के बाद एक कानून बनाए हैं। लेकिन आज किसानों की भी समझ में आ रहा है, और किसान संगठन ही अपने कुछ तथाकथित किसान नेताओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप ऐसी कार न दीजिए कि 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे, 43 लाख तो ट्रैक्टर सारे देश में ही हैं। तो कुछ कह रहे हैं कि फसलों को जला देंगे। भला ये कौन सी बुद्धिमता की बात है? किसान अपने बच्चों से भी ज़्यादा अपनी फसल को प्यार करता है, अपने ट्रैक्टर्स को प्यार करता है। ये कौन सा आंदोलन है? यह किस प्रकार की बातें आ रही हैं? ना पार्लियामेंट के अंदर और ना पार्लियामेंट के बाहर कोई कानून में कमी काट नहीं सके। और इनका ज्ञान कितना बड़ा है? राहुल गांधी जी कहते हैं केरला में जाकर के मछली मंत्रालय होना चाहिए। अरे भले मानस 5वीं बार का एमपी आते हैं, तेरे को यही नहीं पता कि मोदी जी जो है 2019 में मछली मत्स्य मंत्रालय बना चुके हैं? यानी कि यह साफ हो रहा है कि रास्ता बोली डोमनी गावा उत्पताल सारे दिन मोदी जी के खिलाफ जहर उगलने के सिवा कुछ नहीं है। तीनों माँ बेटा और बेटी 2 ट्रक जूट के लेके चलते हैं, बांटते चले जाते हैं और मोदी जी को बदनाम करने की साजिश रचते हैं कि किसी तरह से पार्टी में जान पड़ जाए। लेकिन हो रहा है उल्टा। जहाँ जहाँ कदम पड़े संतों के वहीं वहीं बंटा धार। जहाँ जहाँ राहुल गया है, जहाँ जहाँ सोनिया जी जा रही हैं, जहाँ जहाँ उनकी बेटी जा रही है, कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता जा रहा है। और मैं तो राहुल जी को ये कहना चाहूँगा, प्रिय राहुल जी, इत्तदाए इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देखिए, इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद होता है क्या? होता है क्या?